आज के समय में खास करके जो अच्छे कार्य है, पुनीत कार्य है, इसको करने के लिए पहले आप बोलिए उसको स्टार्ट करें। दुनिया का जितना अन्य कार्य करवा लो, लेकिन पुनीत कार्यों में, धार्मिक कार्यों में थोड़े से लोग हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे मीडिया चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर पटेल नगर में आज पंडित अनिल शास्त्री जी द्वारा गो सेवा समिति द्वारा यहां पर एक भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी भगतजन हमारे चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और धर्म सुख प्राप्त कर सकते हैं। आइए हमारे चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरों में आप इस कथा का आयोजन किया चौथे दिन का आनंद प्राप्त करें, जिसमें आज का मुख्य मंचन किया गया है श्री कृष्ण जन्म का। उस जन्म के अवसर पर लोग कितने प्रफुल्लित होते हैं और ये किस तरीके से शास्त्री जी अपनी कथा के माध्यम से इस कृष्ण जन्म के बारे में अपनी किस तरीके से बताते हैं, आइए देखिए हमारे चैनल के माध्यम से। दूरी बना के बैठिए, बात नहीं करना है, आप पीछे कीजिए, कहां पर था कुछ कीजिए, पीछे हां दूरी कीजिए। आप इसलिए कम लोग हो, अच्छे लोग हो। मैं आपको बतला रहा था कि हीरा का जो दुकान है वो शहर में कहीं भी किसी भी शहर में कम होता है, क्योंकि वो कीमती होता है, वो रत्न जो है वो बहुत कीमती है। तो पटेल नगर शास्त्री गो गीता गायत्री सेवा समिति द्वारा ये आयोजन किया गया है। बहुत कीमती, बहुत मूल्यवान है, थोड़े से हैं भगत भगवान के, लेकिन अच्छे लोग हैं। समस्त अपने पूर्वजों मित्रों की याद में श्री मगध भगवान ज्ञान महायज्ञ पंडित अनिल कुमार शास्त्री जी द्वारा किया जा रहा। सभी भक्तजन इस कथा का आनंद प्राप्त करें हमारे चैनल के माध्यम से। सब लोग जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नारायण, गोविंद। अभी लोटस ग्रीन सिटी में कथा हुई सेक्टर 9 में, बैठ जाओ। लोटस ग्रीन सिटी में आयोजन हुआ, बहुत सुंदर आयोजन हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन ब्रजेश श्री ठाकुर के चरणों में हम लोग अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। कल 52 महोत्सव में हम लोग हैं, आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का कार्यक्रम ठाकुर ने स्वयं निश्चित किया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आज प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। आइए इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रह्लाद जैसा संतति, प्रह्लाद जैसा संतान जिस घर में, जिस परिवार में हो जाएगा, उसका 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। 21 पीढ़ी का उद्धार होता है प्रह्लाद जैसे संतति जिस घर में जन्म लेती है। आज भक्त प्रह्लाद 52
भगवान उपेंद्र त्रिविक्रम की जो पावन गाथा और कथा है, हम लोग उनका जीवन चरित्र जानेंगे। भगवान की जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रमुख अवतार हैं और उन 10 अवतारों में राम कृष्ण का जो अवतार है उन प्रमुख अवतार है। जब नृसिंह भगवान खंभे से निकले निवेदन करने पर कहा कि इस खंभे में भी है, तो कहा कि हाँ इस खंभे में भी है, तो कहा कि ठीक है, एक बात विचार करने योग्य है, भगवान की जो सत्ता है सभी जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं। ईशावास से विदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये सारे संसार में वह जो है आच्छादित है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है एक भगवान के सिवा। केवल इस जगत में कोई सत्य है, पूर्ण है, प्रतिष्ठित है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। तो आज हम सब लोग इस पावन जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हुए हैं। देखो, हम लोगों के साथ कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार करता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, मेरा कैसे रिएक्शन होता है। किंतु प्रहलाद जी के साथ में उसके पिता ने इतना दुर्व्यवहार किया, इतना सताया, इतना तड़पाया, फिर भी अपने पिता के प्रति कितना अनन्य भाव था, कितना पूज्य भाव था, अपने पिता से गिला शिकवा कभी नहीं रखा प्रहलाद जी ने। ये प्रहलाद का चरित्र ऐसा चरित्र है कि अगर आज की युवा पीढ़ी इस चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करे, श्रीमद् भागवत जी को पढ़े, जीवन में उतारे, तो मैं समझता हूँ कि उसका जो संबंध पिता के साथ में होगा वो अनन्य संबंध होगा। प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंह से कहा था कि प्रभु पतितोपि पिता, पतितोपि पिता, मेरे पिताजी जैसे भी हैं लेकिन वो मेरे लिए पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। माना कि लोक दृष्टि में मेरे साथ में लोक दृष्टि से अच्छा नहीं किया, ये मैं मान रहा हूं, किंतु ये शरीर उन्हीं का है। प्रहलाद ने कहा कि यह शरीर उन्हीं का है, इस शरीर पर पिता का ही अधिकार है, इस शरीर को पिता जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे उसका प्रयोग कर सकता है।
भगवान से जब प्रहलाद ने निवेदन किया कि प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो आप एक वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? कि मेरे पिता का वैकुंठ गमन हो। आपसे कुछ नहीं मांगता मैं, किसी प्रकार की लालसा नहीं है लोक दृष्टि की, लेकिन एक बात की मेरी लालसा है, इच्छा है कि मेरे पिताजी आपके द्वारा हताहत होने के बाद, मारे जाने के बाद, वह वैकुंठ को जाए, आपके चरणों में सदा लीन रहे, आप ही के पास में हो, मेरे पिता की सायुज सालोक्य मुक्ति प्राप्त हो, मैं यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा, नृसिंह ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम्हारी जैसी संतति अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो केवल पिता की ही नहीं, माता की ही नहीं, 21 कुल को, 21 पीढ़ी को पवित्र कर देती है। प्रहलाद, तूने स्कूल में जन्म लेकर के पिता के द्वारा इतना सताए जाने के बावजूद भी तूने पिता को इतना सम्मान किया, इतना आदर दिया, शायद इस युग में कोई देने वाला हो। नरसिंह भगवान ने कहा, तुम अपने पिता के अनन्य भक्त हो, तुम्हारी जैसी संतति, संतान, पुत्र अगर किसी को भी प्राप्त हो जाए तो उसके 21 कुल को उद्धार हो जाता है, पीढ़ियों का। तुम्हें किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अनन्य भाव रखा। भगवान ने अपना धाम दिया हिरण्यकश्यप को, और जब अपना धाम दिया, प्रहलाद जी आगे बढ़े, राजसत्ता संभाला। राजसत्ता संभालने के बाद जो कार्य था, अनन्य कार्य, वो समस्त कार्यों को उन्होंने किया। आगे उनका विवाह आदि संस्कार हुए, और उनके कुल में विरोचन, और विरोचन के बाद जो राजा बलि हुए, बलि का कल आपने देखा, भगवान वामन उनके यहाँ आए, राजा बलि की एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नमाला। भगवान ने देखा कि यह बहुत अनन्य भाव से बैठी हुई है, उसने भी मन में सोचा, कि ये मेरा पुत्र होता तो बहुत अच्छा होता। ये पुत्र होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त होता तो बहुत अच्छा होता, मन में सोचने लगी। और सोचते सोचते भगवान भी देख लिए, ये सोच रही है, इसके मन में भाव बहुत अच्छे हैं।
जिसका मैं बेटा बन जाऊंगा, ये मेरी मैया बन जाएगी। कहा कि ठीक है, तू मेरी मैया बनना, तेरा मैं बेटा बनूंगा, समय आने दो। राजा बलि ने भगवान से कहा कि देखो, मैंने सुना कि आप भक्तों के बस में रहता है। अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन सदा रहता हूं, भगवान ने कहा है। तो जब आप भक्तों के अधीन रहते हैं तो कुछ कार्य करें, जो मैं कहता हूं आप सुने। कहा कि बिल्कुल, कहो क्या चाहते हो। तो मैं यही चाहता हूं कि आप को जो कहा जाए वही करें। कहा कि बिल्कुल करूंगा, क्या चाहती हो, क्या करूं। कहा कि आप दरवाजे पर खड़े हो जाओ। कहा कि ठीक है, मैं दरवाजे पर खड़े हो जाता हूं। क्या काम है। कहा कि हाथ में डंडा पकड़ लो। भगवान ने कहा कि डंडा पकड़ लिया। कहा कि जब तक मैं नहीं कहता तब तक खड़े रहना। भगवान ने कहा कि खड़ा रहूंगा। भगवान वचनबद्ध है, जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे खड़े खड़े 6 महीने बीत गए। नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी महाराज आए और आकर के भगवान को कहा कि ये क्या दशा बना रखा है आपने, ऐसी सेवकाई करोगे तो काम चलेगा आपका। भगवान ने कहा कि ऐसे ही सेवकाई करेंगे तो काम चलेगा, और कोई साधन नहीं है, ये सबसे बड़ा साधन है। अपने वचन से हम नहीं मुकरेंगे। उन्होंने वहां से आंख पलक झपका की नहीं और चले गए वैकुंठ। जाकर के माता कमला से कहा, माता कमला से कहा कि माता जी, आज वैकुंठ सुना सुना लग रहा है, मेरे पिताजी कहाँ हैं, लगता है कि वो इस लोक में नहीं है। कहा कि नहीं नारद, तुम्हारे पिताजी तो यहाँ नहीं है। कहा है फिर आपको पता है। कहे कि नहीं नारद, मेरे को भी पता नहीं है। तो नहीं पता है तो जाकर देखो, वहां सेवकाई कर रहे हैं, डंडा लेकर के चौकीदारी कर रहे हैं। इतना कह करके जय सीताराम, नारद जी महाराज वहां से रफा दफा हो गए। अरे नारद, ठहरो ठहरो, रुको रुको। कहा कि अब समय नहीं है रुकने का, बस संदेशा देने आया था, संदेशा आपको दे दिए। आप देखो कि क्या करना है, आप देखो विचारो। महाराज पीछे पीछे, लक्ष्मी जी आगे आगे, नारद। कहा कि मेरे पीछे आओगे तो कुछ नहीं मिलना है। लक्ष्मी से कहा नारद ने कि मेरे पीछे आओगे तो वो स्वामी नहीं मिलेंगे, वो तो राजा बलि के यहाँ अपना डंडा लेकर के चौकीदारी कर रहे हैं, आप जाओ राजा बलि के यहाँ। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, लक्ष्मी वहां पहुंच गई। और लक्ष्मी जब पहुंची तो कहा कि आपने ये क्या दशा बना रखा है श्रीमान जी, नहाना धोना ये वो कुछ नहीं, तिलक नहीं, कपड़ा नहीं, सब ऐसे। भगवान ने कहा कि मैं प्रेम की बसीभूत हूँ, जिसको जो मैं कहता हूँ उसको वही करता हूँ। मैंने इन लोगों को, इनको वचन दिया है। तो कहा कि छोड़ो वचन उचन, चलो वहाँ बैकुंठ। कहा कि नहीं, अगर तुम मुझे बैकुंठ में ले चलना चाहती हो तो तुम राजा बलि के पास में जाओ, और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जो रिश्ता है वो भाई का रिश्ता है, जाओ राजा बलि से कहो
कि मुझे तेरे साथ जाने दे। इतना भगवान ने कहा, महाराज उन्होंने धीरे धीरे लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी जो है राजा बलि के पास में गए, और राजा बलि के पास में जाकर के, राजा बलि के पास में जाकर के प्रेम से कहा, भैया भैया, उन्होंने कहा कि मुझे भैया किसने कहा? देखा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य से पूरी परिपूर्ण एक नारी आई है, देदीप्यमान। राजा बलि के मन में हो रही है कि साक्षात लक्ष्मी है। अरे साक्षात लक्ष्मी थी वो, तू इतना सुंदर, आज तक राजा बलि ने इतना सुंदर स्त्री नहीं देखा, कभी नारी नहीं देखा। कहा कि देवी आप कौन हो? कहा कि मैं तेरी बहन हूं। बोलो क्या सेवा करूं, आप बहन हो तो। कहा कि तुम पहले अपना एक कलाई जो है आगे बढ़ा दो। बढ़ा दिया। कहा कि हाथ में कुछ चावल अक्षत फूल ले लो। कहा कि ले लिया। एक सूत्र निकाला लक्ष्मी ने, उस सूत्र में सारी कुबेर की संपदा समावेश कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, और कहा कि भैया ये तमाम संपदा, वैकुंठ की संपदा, कुबेर की संपदा, त्रैलोक की संपदा, आज मैं तेरे हाथों में समर्पित करती हूं। बांध दिया लक्ष्मी ने कलाई में सूत्र बांधा, सूत्र रक्षा सूत्र, प्रेम सूत्र और ऐश्वर्य सूत्र बांधा। राजा बलि की तरह इतना बड़ा ऐश्वर्य किसी का नहीं था। राजा बलि का ऐश्वर्य जब कलाई में बांधा तो भाई ने पूछा कि आपने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ कहा मेरे लिए, तो भाई का भी फर्ज है कि बहन के लिए कुछ कर दे। तो बोलो बहना तुम्हें क्या चाहिए? बहन ने धीरे से कहा मुस्कुराते हुए कि मुझे संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। हाँ कि फिर क्या चाहिए? हम तो संसार के वस्तु ही दे सकते हैं ना बहन को। कहा कि नहीं, जो तूने उनको जो 6 महीने से खड़ा कर रखा है, हमें उन्हीं का साथ चाहिए, वही दे दो मेरे को, संकल्प कर दो, उन्हीं का हाथ पकड़ा दो। कहा कि बहन आपने बहुत बड़ी कृपा की है। क्या कृपा की? कि मैं तो सोचता था केवल कि साक्षात लक्ष्मी प्रतीत हो रही है, आज मुझे आभास हो गया कि आप वाकई में लक्ष्मी है, वो नारायण है। आप दोनों आइए, आपका सम्मान है, आपका पूजा है, आपका अभिनंदन है। भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया राजा बलि को, राजा बलि ने, और बैठा करके उनका पूजन किया, अर्चन बंदन निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद वो कहा कि ठीक है, आप आज से इनके हाथ पकड़ लीजिए, अब ये जहां चाहती हैं वहां ले जाइए। भगवान की आज्ञा हुई, ऐसी प्रेरणा हुई, भगवान उनको लेकर के एक दूसरे को हाथ पकड़ के चल दिए, वैकुंठ का गमन हो गया, परलोक का गमन, सायुज्य सालोक का गमन हुआ। इस कथा का क्या अभिप्राय है, मतलब क्या है कहने का,
मतलब ये है कि आप संसार में किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझो। राजा बलि तो अत्यंत छोटा था, लघु था, उसके पास कुछ नहीं था। एक बात और भगवान वामन इतने लघु रूप में थे कि राजा बलि के मन में बात आ गई कि ये तो छोटा है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको बुद्धि नहीं है, ये मेरी बातों को जानता समझता नहीं है, इसलिए इसको कुछ पता नहीं। लेकिन भगवान को सब कुछ पता था, सब कुछ जानते थे, फिर भी अपने को छोटे बन करके रहे, बामन के रूप में रहे, उपेंद्र बन करके रहे। आप कितने बड़े भी हो जाएं, महान हो जाएं, यशस्वी हो जाएं, तपस्वी हो जाएं, मनस्वी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, कितना भी वैभव, कितना भी कीर्ति हो जाए, लेकिन आप छोटे बन के रहोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप हमेशा समाज में मान सम्मान चाहते हैं तो छोटे बन करके रहे, छोटे बन के रहेंगे तो हमेशा बरकरार रहेगा। बोलो बाबन भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ तालियों के साथ गुनगुनाते हुए सब लोग हम लोग जय जय श्री राधे। श्याम गोविंद मुरली मनोहर। बोलो राधा रानी सरकार की जय, राधे पुकार की है, मुरली पिता ने मेरे। आइए सब मिलकर ताली बजाएंगे, अपने नाम की हाजिरी लगवाएंगे राधा रानी के पास और मिलकर राधे पुकारती है, राधे पुकारती है, मुरली पिता राधे पुकारती है, मुरली पिता मेरे राधे पुकारती है, मुरली पिता राधे राधे
आइए आपने कुर्सी वाले को याद किया, वो आ गया। जय हो के भी
चर्चा कर लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं? भगवान हरि नारायण, भगवान श्री हरि नारायण आत्मा विषणा शिथिला च भीता घोरे सुचाप्या विशुवर्धमान संकीर्त्य नारायण साप्त मात्रम विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति। एक बार गजेंद्र नामक जो हाथी है वह नारायणी नदी में प्रवेश किया, गंडकी में प्रवेश किया। जब वह नदी में प्रवेश किया तो नदी में जो जीव होते हैं, जलचर जो प्राणी होते हैं, वो बड़ा बलवान होते हैं। एक हाहा हूहू नाम के दो गंधर्व थे। गंधर्व का नाम था एक का हाहा, एक का नाम हूहू, और ये दोनों बड़ा बलिष्ठ थे, ताकतवर थे। एक बार दुर्वासा ऋषि आ रहे थे अपने दल बल के साथ। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये दोनों चंड और मुंड जो है, चंड मुंड मतलब ये बदमाश है, ये किसी को सम्मान नहीं करते, ये तो किसी को महात्मा को देख करके बड़ा उदंडता के साथ में व्यवहार करते हैं। ऐसे है स्नान कर रहे हैं, जल उड़ेल रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई मतलब नहीं, ऐसे ही मतवालों के तरह शिष्टाचार है कि जल में कैसे स्नान करना चाहिए। ये तो ऐसे ही नंग धड़ंग सब स्नान करते बदमाश, और वस्त्रों को भी धारण नहीं करते। कहा कि तुमको दंड दूंगा, स्थापित करूंगा। दुर्वासा ने स्थापित किया, ऋषियों ने स्थापित दिया कि आज जो ये चंड मुंड बनकर के हाहा हूहू दोनों जो है तुम लोग हो, सब जो आदरणीय है सम्माननीय है उसको सम्मान नहीं कर रहे, बड़े लोगों के सामने कैसे बैठना है कैसे उठना है ये ज्ञान नहीं तुमको, नहीं शिष्टाचार नहीं, कैसे गांधर्व हो तुम लोग, जाओ आज तुम लोग दोस्त हो और तुम लोग दुश्मन बन जाओ, ये दोस्ती दुश्मनी के रूप में हो जाए, स्थापित किया। आज इतना दोस्त बन करके गलबैया कर रहे हो ना, तुम लोग एक दूसरे का शत्रु बन जाओ, तुम लोग एक दूसरे का शत्रु बनोगे। जब ऐसा साफ़ श्राप दे दिया तो बड़ा तड़पने लगा महाराज कि मेरा क्या होगा, कैसे उद्धार होगा, कैसे कल्याण होगा, ताकि देखी जाएगी जब होगा तब होगा। मेरा जब तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि होगी, जान जाएंगे कि तुम ठीक हो, तब कर देंगे तेरा कल्याण। दीप्ति ऐसे आ जाओ सामने आओ। तो इस प्रकार से भगवान ने
कहा कि चलो मौका आ गया मेरे ठाकुर, आज तो पूरा ठाकुर जी मेहरबान है, बहुत कृपा की है, ले आओ। लो लड्डू गोपाल भगवान की। ओ महाराज, ऐसा ही हुआ, संजोग से दोनों जल में नहाने स्नान करते थे और स्नान करते करते दोनों शत्रु हो गए, एक बन गया हाथी और एक बन गया ग्राह, मगर बन गया। वही एक दिन हाथी गया जल पीने के लिए नारायणी नदी में। दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदलती है, इसलिए इसका ध्यान रखना कि अगर दो आदमी हो चार आदमी हो तो उदंडता मत करना, उदंडता करोगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उदंडता करने वाले व्यक्ति का परिणाम अच्छा नहीं होता है। ये नहीं कि हम चार यार मिल गए तो जिसको जो मन में आया वही कर दिए बोल दिए, नहीं, चार हम लोग जोड़ी हो गई तो जो मन कह दिया, ऐसा नहीं। जब आप बड़े बनते हैं, महान बनते हैं, तो बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, एक एक कदम विचार करके रखना पड़ता है, एक एक शब्द बड़ा विचार करके बोलना पड़ता है। तो महाराज उसने ऐसा किया और कहा भी, जब हाथी गया जल पीने के लिए, दो चार और भी साथ में थे परिवार के लोग, अब धीरे धीरे वहां पैर के पास में मगर पहुंचा और हाथी को जल में खींचने लगा, और हाथी जो है चिघाड़ कर रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। जितने भी हाथी थे उस जंगल में आसपास पड़ोस में, सब उसके बचाने के लिए चले गए। अवश्यम भावी जो निश्चित कर दिया, स्थापित कर दिया, जो अवश्यम भावी है, फिर वो बिना घटना घटे मिटता नहीं है। अगर मिटता है तो बहुत कुछ उसके लिए जब तप साधना आराधना तपस्या करनी पड़ती है, अन्यथा नहीं। मंत्र महामुनि विषय प्याल के मिटत कठिन कुवंक भाल के, मिट जाता है किंतु उसके लिए बहुत आराधना की जरूरत पड़ती है, तपस्या की जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं मिटता। इसलिए महाराज इसका ध्यान रखने की जरूरत है। चिघाड़ने लगा, सैकड़ों हजारों हाथी आ गए, एक व्यक्ति ने गलती किया, हजारों को भुगतना पड़ा आकर के, एक जीव अकेला सैकड़ों लोगों को परास्त कर दिया। सौ लोग मिलकर के एक व्यक्ति को नहीं निकाल सके, एक जीव को बाहर नहीं कर सके जल से। कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता समय पर, इसलिए भगवत कृपा जरूरी है, भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। भगवान कृपा करते हैं तो ही संभव होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए महाराज भो कृष्णा च
च्युत भो कृपालय हरे भो पांडवान सके भो कृष्ण च्युत हे कृपालय हरे भो पांडवान सके क्वासी कहाँ हो आओ मुझे बचाओ। काल ने मुझे पकड़ लिया है, काल ने ग्रस लिया है, मुझे बचाओ। तेरे सिवा संसार में बचाने वाला कोई और नहीं है, कोई संगे साथी नहीं है जो हमें बचा सकता हो। संगी साथी शर्मा जी इधर बैठ जाओ, इधर इस साइड में। संसार में कोई संगी साथी नहीं है जो हमें बचा सकता है। तेरे सिवा संसार में बचाने वाला कोई और नहीं है। भो कृष्ण हे अच्युत हे नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छोड़ दो, छोड़ दो। तेरे सिवा संसार में कोई और कहीं नहीं दिखलाई पड़ता। भगवान ने कहा तू तो ब्रह्मा को याद कर रहे हो, शिव को याद कर रहे हो, कभी दुर्गा को याद कर रहे हो, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें। जो व्यक्ति एक को पकड़ कर रहता है, एक की साधना आराधना करता है, वो भगवान उसे भी हमेशा ध्यान रखते हैं। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ ऐसे जो भटकते रहता है उसका समय पर कोई काम नहीं आता है। इसलिए एक के बन करके रहो, एक के बन के रहने में मान भी है, सम्मान भी है, इज्जत है, शोहरत है। एक बात कहूं, संसार की कोई भी नारी, संसार की कोई भी माँ, कोई भी बेटी, कोई भी बहन अगर एक के होके रहती है तो संसार में उसका इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है। इसलिए एक के होकर के रहना। मेरा नारायण मेरा कृष्ण सर्वोपरि है। चिल्लाया, जब चिल्लाया तो भगवान हो कृष्ण हो अच्युत यहाँ आइए मुझे बचाइए। भगवान ने सोचा कि मुझे किसने याद किया आपत्ति के घड़ी में, विपत्ति के घड़ी में। जो भगवान को आपत्ति के घड़ी में याद करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, फेंक दिया। भगवान के पहुंचने से पहले ही सुदर्शन चक्र पहुंचा और ग्राह का छेदन कर दिया, ग्राह को छेदन कर दिया और गजेंद्र को उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। इसलिए इस प्रसंग से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अगर कहीं दो चार लोग इकट्ठे हो गए तो किसी के बारे में उल्टा सीधा ना बोले, और दूसरा मतवाला होकर के ना रहे। आपके रास्ते से कोई व्यक्ति व्यक्ति विशेष अगर वह निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है,
तो उसका सम्मान करें, जो मन आवे उसो ना बोले। भद्र पुरुषों का सम्मान अगर किया होता हा हा हो तो वो गंधर्व हाथी नहीं बनते और ग्राह नहीं बनते। एक दूसरे के अपमान करने के कारण ही उसको परिणाम भुगतना पड़ा। इसलिए हो सके तो किसी का सम्मान करना सीखो, जितना हो सके। अगर महर्षि दुर्वासा को अगर वह सम्मान किया होता तो दोस्ती दुश्मनी के रूप में नहीं होती। इसलिए भाई बहन इसका ध्यान हम लोगों को सबको रखना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता मेरे साथ आते हैं। Oh,
साथ नहीं देते, छोड़ देते हैं, सारी शक्ति लगा करके हार जाते हैं, तो वो मेरा परमात्मा श्रीमन नारायण नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण वो काम आता है, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए हम समाज में परिवार में नौकरी चाकरी खेती व्यापार पठन पाठन करते हुए समस्त कार्यों को करने का प्रयास करें, ये मेरा आपका सबका उद्देश्य होना चाहिए। प्यारे भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को उद्धार किया, भागवत का गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ हिंदी में भी है, संस्कृत में है, हिंदी तो पढ़ लिया गुरु। परमात्मा श्रीमन्नारायण गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने वाले प्राणियों का अंतिम समय में जिस प्रकार से गजेंद्र को कल्याण किया था, मोक्ष किया था, उसी प्रकार से जीवों को भी अपने भक्तों का भी मोक्ष करते हैं, उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। कल्याण करने वाला उद्धार करने वाला गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा है, गाथा है महाराज। ऐसी पावन गाथा और कथा हमें जीवन में प्राप्त हो, ये कथा सत्संग का क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है कि हम जो सुने उसको जीवन में उतारे, हम जो सुने उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें।
और जब आपका प्रयास होगा तो आपके द्वारा फिर गलत नहीं हो सकता। गलत होने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, आपसे प्रार्थना है कि आप गजेंद्र के भांति आत्मभाव से अगर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान अंतिम समय में निश्चित रूप से आपके कल्याण करने के लिए पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे। बसरते वो आत्मभाव आपके अंदर होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं वो पता ही नहीं। जब तक गजेंद्र जैसी चित्त मन नहीं होगा तब तक वो परमात्मा अंतिम समय में दर्शन नहीं देते, दीदार नहीं होता। और जब तक दीदार नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा जीव का। इस प्रकार गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया। महाराज एक छोटा सा प्रसंग और आपके बीच में रखता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि आप ये बतलाइए कि अजामिल कौन था, उसका जीवन चरित्र कैसा था, बाद में उसका कल्याण किस प्रकार से भगवान ने किया। कहा कि सुनो बतलाता भगवान सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं या इस बात को ध्यान देकर के सुनिए और समझिए। कान्हकुब्ज देश में रहने वाला, कन्नौज क्षेत्र में रहने वाला ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अजामिल एक ब्राह्मण था। कान्हकुब्ज कन्नौज क्षेत्र में, और वो बड़ा आतताई था, दुष्ट था, बड़ा उसके अंदर ऐब था। भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। ऐसे भगवान सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि इसका उद्धार कैसे होगा। संजोग से एक बार जहां पे अजामिल निवास करता था, अजामिल नामक ब्राह्मण बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। अजामिल नामक ब्राह्मण बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने कहा कि सुनो, अगर कल्याण चाहते हो तो एक ही साधन है, महापुरुषों की संगति, भद्र पुरुषों की संगति, कल्याणकारी महापुरुषों का संग। एक बार उस नगर में कुछ महापुरुष लोग, संत लोग आए, और संत लोग जब आए तो पूछा कुछ लोगों से कि भाई तेरे गांव का प्रधान कौन है, तेरे गांव का मुखिया कौन है, सबसे श्रेष्ठ आदमी कौन है तेरे गांव का। कुछ लोगों ने, नौजुवकों ने, युवा अवस्था में जो व्यक्ति संभल गया वो संभल गया, युवा अवस्था में जो बिगड़ गया उसका फिर बनता नहीं। इसलिए युवा अवस्था को, जवानी को बचा करके रखो। 15 से लेकर के 25 वर्ष की जो आयु है सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसको व्यक्ति को बचाना चाहिए। अच्छे महापुरुषों के संग में अगर व्यक्ति रहेगा, माता पिता के संरक्षण में रहेगा,
उनके देखरेख में संवर्धन होगा तो वह लड़का हो या लड़की वो दोनों का कल्याण होगा। वो सुमार्गी होंगे, अच्छे मार्ग पर चलने वाले होंगे। इसलिए 15 से 25 वर्ष की जो अवस्था है बड़ी नाजुक अवस्था है, माता पिता इस अवस्था पर ध्यान दें बच्चों को। महाराज जब महात्मा लोग आए तो पूछा कि तेरे गांव में कोई अच्छा आदमी है जो सेवा कर सके। शर्मा जी महाराज, सेवा करने वाला कोई अच्छा आदमी है? एक उदंडों की टोली थी, नवजुकों की, 5-7 लोग अपना ताश के पत्ती फेंक रहे थे, अपना हा हा ही कर रहे थे। कहा कि हाँ महाराज, बाबा जी आपका सेवा करेगा। एक मेरे गांव के सबसे बड़ा प्रधान आदमी है, वो गांव के दक्षिण में रहते हैं, सबसे अलग उनका मकान है, वहीं आप चले जाओ। अच्छा, वहां चले जाए? कहा कि सेवा हो जाएगी, कहा कि पक्का सेवा होगा। जो गांव के सबसे नहीं छठुआ आदमी था, निकलुआ आदमी था, निकाला हुआ, गांव से निकाला हुआ आदमी को बता दिया लोगों ने कि सबसे अच्छा आदमी है। नहीं, पटेल नगर, शास्त्री नगर में कोई व्यक्ति आके कोई बाहरी आदमी पूछे कि आपके गांव का, आपके मोहल्ले का कौन अच्छा आदमी है, तो अच्छे आदमी को ना अच्छा बतलाना चाहिए। लेकिन देखिए उसका समय कितना अच्छा आने लगा। जब व्यक्ति का समय अच्छा आता है तो पूरे आदमी को भी लोग अच्छा बताते हैं। क्यों? कि उसका समय अच्छा आ गया। लोगों ने कहा कि महाराज बाबा जी आप चले जाओ, पूरा भिक्षा होगा। क्यों लोगों ने भेज दिया? इसलिए भेजा था कि वो शराबी कबाबी है, वहां जाएगा तो इनका हंसी मजाक करेगा, फटकार लगाएगा, भगाएगा वो है। इसलिए महात्माओं से दिल लगी, मजाक नहीं करना चाहिए, अपने से बड़े लोगों के साथ में मजाक नहीं करना चाहिए, ये अशिष्टता है। अशिष्ट लोग जो है बड़े लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, मजाक करते हैं, ये शिष्टता का प्रतीक नहीं। ए बच्चे, ए क्या कर रहे हो, चलो ए भगाओ वहां से। जय श्री राधे। तो महाराज अशिष्टता का व्यवहार नहीं। शाम का समय हो रहा था, गोधूली का बेला, चल दिए लोग। अलख निरंजन, नारायण नारायण, दरवाजा पर ठकठकाया, बेल बजाया। उधर से एक स्त्री निकली, नारी निकली, प्रणाम किया। महाराज आप लोग यहाँ हमारे दरवाजे पर, मैं तो अभागिन हूँ, मेरे दरवाजे पर आप लोग इस महान पुरुष, मेरा छुआ तो कोई पानी नहीं पीता, मेरा छुआ हुआ अन्न कोई खाता नहीं है, आप लोग मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? व्यक्ति को हमेशा छोटा बन के रहने का प्रयास करना चाहिए। कहा कि क्या सेवा कर सकती हूँ? कहा कि बेटी तू क्या सेवा करेगी, आज हम लोग तेरे दरवाजे पर ही रात्रि विश्राम करेंगे और तेरे घर में कुछ जो कुछ भी अन्न होगा वो प्रसाद दे दो, हम लोग बना लेंगे, ठाकुर को भोग लगा के पालेंगे, यही करो। कहा कि आप मेरे घर का अन्न लेंगे? मुझे लोगों ने गांव से निकाल रखा है, मेरा पति आदताई है, पापी है, दुराचारी है, गांव के लोग कहते हैं। अरे छोड़ो बहू, गांव के लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि तेरा पति उस तरह का है, तेरा पति तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम मुझे भिक्षा कराओ। इतना जब सुना उस नारी ने घर से अपनी भिक्षा दे दिया, महात्माओं ने बनाया भोजन रात्रि में,
और भोजन बना करके भोग लगाया, प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद वो शयन कर रहे थे। तब तक वो बड़बड़ाते हुए नहीं अपने धुन में सर को झुलाते हुए नहीं, जैसे शराबी लोग होते हैं कुछ लोग दिखाने के लिए पिएंगे 10 ग्राम और शो करेंगे कि मैं 1 लीटर पी गया, नहीं ऐसा शो करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नशा वो कौन लोग हैं? वो दुष्ट लोग, बहके हुए लोग हैं। अतः ऐसे लोगों का ठीक नहीं है, कल्याण नहीं हो सकता। महाराज वो बड़बड़ाते हुए आया और कहा, ए, 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 कौन है तुम लोग? महाराज उसकी भाषा को सुनकर की भाषा शैली जो पद्धति थी, जो बोलने का तर्क तौर तरीका था, बड़ा गजब था। महात्मा ने कहा कि हैं कहां हम लोग फंस गए रात्रि में आकर? कहा कि महाराज हम लोग तो आपके यहाँ से भोजन लेकर के शयन कर रहे हैं। कहा कि किसने कह दिया तुमको सोने के लिए? कहा किसी ने कहा नहीं, अपने मन से तेरे यहाँ प्रसाद पाया और यही सो गए। वो घर से निकली बेचारी, घर में ले गई, खिलाया पिलाया सुलाया और कहा ये महात्मा लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ कभी भी अशिष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसा ही हुआ। रात्रि बीत गई, सुबह हुआ, प्रातः काल वो लोग नहा धोवा करके और प्रस्थान किए। कहे कि बेटी नारायण, ओ कन्या निकली, नारी निकली और जा करके संतों को प्रणाम किया। महात्माओं ने कहा कि बेटी तुम्हारे यहाँ एक संतान होगा, एक बेटा होगा जिसका नाम नारायण रखना, तुम उस बच्चे का नाम नारायण रखना। महाराज महात्मा लोग चले गए, कुछ वर्ष बीते, उस घर में एक संतति जन्म ली। पत्नी बहुत भोली भाली सात्विक थी। देखिए आपका पति क्या करता है, कैसे करता है, किस रूप में करता है, वो तो वो जाने, लेकिन उसका किया हुआ आप कैसे संभालती हैं, वो सारा जिम्मेवारी घर में जो रहने वाली गृहिणी है उसके ऊपर है, वो जानेगा वो समझेगा। तो स्त्रियों के ऊपर, नारियों के ऊपर घर का जो दायित्व है वो सारा का सारा है। आप घर में रहती हैं, आपके दरवाजे पर कौन आया, किस रूप में आया, आपका कर्तव्य बनता है कि हम सेवा कर सके। घर को चलाना है गृहिणी को, जो घर की लक्ष्मी है उसको चलाना है। घर वाला तो पैसा कमा करके लाके धर देगा, दे देगा, उसका प्रबंध कैसे करना है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। नहीं लेकिन सही प्रबंध हो ये विचारणीय है। तो महाराज उन लोगों ने, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि बेटी तेरे घर में एक संतान होगा तेरा, उसका नाम रखना नारायण। कालांतर में उसके यहाँ एक पुत्र हुआ। पत्नी उसकी बहुत भोली भाली थी, आज तक अपने पति से कभी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की, कुछ मांगी नहीं, इतनी सीधी थी, इतनी भोली भाली थी। पति से कहा उसने कि महाराज एक बात आपसे कहूं। पति ने कहा, अजामिल ने कहा कि कहो क्या कहती है। कहा कि ये जो बेटा जन्म लिया है ना,
इसका नाम हम लोग दोनों लोग मिलकर के नारायण रखे। इसका नाम क्या रखे? सिकरी चौक पर हो, कहाँ हो, बैठे हो यहाँ और ध्यान है, लो जय श्री राधे। जोर से ताली बजाओ, और जोर से बजाओ। देखो दो दो डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, हैं? आलस से होगा, डॉक्टर आनंद सिंह और डॉक्टर महावीर शर्मा, ये दोनों चिकित्सा अधिकारी हैं। एक तो सेवानिवृत्त हो गए और एक अभी हैं। आलस्य नहीं, यही बन करके रहो डेढ़ दो घंटा के लिए, जब आते हो ना यह चुपचाप हमारे लड्डू गोपाल के देखते रहो, भागवत जी को दर्शन करते रहो, कहीं नहीं, सारा मन को हटा करके यही रखा करो। केंद्र केंद्र बिंदु मेरे भागवत जी होना चाहिए। तो कहा कि हम लोग मिलकर के इस बच्चे का नाम नारायण रखेंगे। क्या रखेंगे? जोर से बोलो, नारायण रखेंगे। इस बालक का नाम नारायण होगा। महाराज ओ नारायण धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 5 साल का हो गया। नारायण पानी ले आओ, नारायण भोजन ले आओ, नारायण तौलिया ले आ, नारायण बिछाना बिछा दे। अब नारायण उनका बिछाना बिछा रहे हैं, नारायण उनको भोजन करा रहे हैं। एक बार देखते देखते नारायण का क्या हुआ, यमराज के दूत आ गए और अपना स्वरूप दिखलाया, जोर से चिल्लाया, नारायण बेटा नारायण, आओ बेटा बचाओ बचाओ बेटा नारायण। भगवान जी कानों में गूंज गई, कहा कि मुझे बेटा कह के पुकारने वाला कौन है, मुझे बेटा कह के पुकारने वाला कौन है, कौन मुझे बेटा कहता है। बड़ा भगवान ने अपने लोगों को भेजा, पार्षदों को भेजा, फटकार लगाया भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को, है मेरे भक्त को लेने के लिए आया है यहाँ, ये तुम्हें मालिक ने नहीं सिखाया, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नहीं बताया कि जो व्यक्ति मरते समय भगवान को याद करता है उसको यमराज के दूत नहीं ले जाते, उसको तो भगवान के पार्षद ले जाते हैं वैकुंठ लोक में। तेरा कैसा स्वामी है, कैसा मालिक है, तुमको यहाँ भेज दिया, जाओ पूछ करके आओ अपने मालिक से। पूछने के लिए गए यमराज के पास, पूछ करके आए, कहा कि मेरे मालिक ने कहा है, यमराज ने कहा है कि जो व्यक्ति मरते समय नारायण का नाम लेगा वह यमराज के पुरी में नहीं जाएगा, वो तो वैकुंठ पुरी में जाएगा। इसलिए जोरदार ताली लगाते हुए नारायण का नाम लो। जय श्री नारायण। नारायण के लोक में भगवान के पार्षदों ने आरती की, माला पहनाया और माला पहना करके कहा कि सुनो चलो वैकुंठ, याद रखो भगवान का नाम लेने ए बालक, भगवान का नाम लेने वाला ओ मरता नहीं है, अजर अमर हो जाता है। और अंतिम समय में कैसे नाम याद आएगा? ऐसे नाम याद नहीं आएगा जैसे आप सोचते हैं। जब तक शुरू से आपका आदत नहीं रहेगा तब तक अंतिम समय में नाम याद नहीं आएगा, इसलिए शुरू से अभ्यास करो।
शुरू से अभ्यास करोगे तो भगवान याद आएंगे अंतिम समय में। अंते जागति सामति, अंत समय में जिसकी जैसी मति रहती है, बुद्धि रहती है, वैसा ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे ठाकुर, हे नारायण, अंतिम समय में आपके दर्शन हो, दीदार हो। एक स्त्री थी बहुत, समय लगा दिया बाल बच्चों के जीवन यापन में। जब वो अंतिम अवस्था में आई, मरने के अवस्था में आई, तो बच्चों ने सोचा कि मेरी माँ ने बहुत कुछ किया है, इसका अंतिम जो इच्छा है पूरा करवा दें। और सुना है कि भगवान का नाम लेने वाला अंतिम समय में उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो सब लोगों का दर्शन करा दें, बेटा आ गए, बहू आ गए, माँ इनको पहचानती है, कुछ नहीं बोल रही है माँ, ना बेटा को पहचान रही है, ना बहू को, ना पोता को, ना दोता को। तो बेटा ने सोचा कि अंतिम समय में इसकी जो बेटी और दामाद है उसका दर्शन करा दे, नहीं उसको देख करके कुछ बोल दे। तो दामाद का नाम था रामचंद्र, क्या नाम था बोलो, रामचंद्र। और बेटी का क्या नाम था, गांव में पहले रखते थे दुखनी भुखनी, तो उसका नाम दुखनी था। तो माता से जब पूछा कि मैया ये कौन है, देखो तो ये सामने जीजा जी आए हैं, ये कौन है, पहचान रही है, तो कहा जब अपनी बेटी और दामाद को देखा तो कह दिया क्या ये कौन है, तो ये तो भुखनी के मर्दा है। क्या है, भुखनी के ये मर्दा है। अंतिम समय में भी उसका नाम भगवान का नहीं आया, रामचंद्र का नाम नहीं आया। बेटा ने सोचा था कि रामचंद्र का नाम दामाद सामने आएगा तो इसी बहाने इसका नाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाई बहन, भगवान का नाम तब ही संभव है जब व्यक्ति शुरू से भगवान को याद करेगा, तब अंतिम समय में भगवान याद आते हैं, अन्यथा भगवान याद नहीं आएंगे। अगर भगवान को याद आना है तो शुरू से अभ्यास करो। ये भागवत कथा पटेल नगर में हो रही है, पहले भी आज के हमें लगता है कि 15 साल पहले मैंने कथा की थी, तो इसलिए भगवान की कथा होते रहना चाहिए, भगवान का नाम होते रहना चाहिए। नौकरी चाकरी खेती व्यापार पठन पाठन करते हुए, घर में काम करते हुए, भोजन बनाते हुए, कपड़ा भिजते हुए, झाड़ू लगाते हुए भगवान का नाम। स्पेशल बैठ करके माला नहीं जपना, भोजन बना रही हो, काम कर रही हो, भगवान का नाम लो, उसी में कल्याण होगा, उसी में मंगल होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव।